पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड यू नो इट इज सच एन एक्साइटिंग टाइम के वापस से हम देख रहे हैं फिल्म्स आ रही हैं थिएटर में रिलीज होने। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आपसे जब बात की थी आपने मुझे कहा था वो फेज आएगा बिकॉज दैट मैजिक ऑफ थिएटर कैन नॉट गो अवे एंड वी सी इट हैपनिंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे हम हमारा इंडियन खाना नहीं छोड़ सकते ना, वैसे थिएटर में जाना नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज राइट आवर बेसिक रिक्वायरमेंट रादर। राइट। एंड कब्जा के अभी ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही बिलियंस ऑफ व्यूज आ गए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन बढ़ गई है। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट एज ऑडियंस? ऑडियंस के लिए हम एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, लार्जर देन लाइफ सिनेमा लेके आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये दोनों का मिक्सचर लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगेगा एंड विल ट्रूली एंटरटेन पीपल। राइट बट जैसे टीजर जब देख रही हूँ और मैंने कमेंट भी पढ़े, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग बाय द फर्स्ट लुक ऑफ इट, आप ज्यादा अगर ड्वेल नहीं करें कहानी पे, इट लुक्स लाइक अ पेज ऑफ फ्रॉम RRR, बट आई एम श्योर इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा उस पर प्लीज एलाबरेट कीजिए। हाँ, हमने जब टीजर डाला था और तब काफी लोगों ने ये बताया था कि दिस इज लाइक KGF। और KGF क्या है कि कोई भी फिल्म की किसी के भी साथ में कंपैरिजन करना आई थिंक वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बट KGF ने अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया और उसके साथ में कंपैरिजन होने में हमें तो गर्व ही है और कुछ नहीं है। और दूसरा कि सिंस KGF ऑल्सो इज फ्रॉम कन्नड़ा इंडस्ट्री और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से ही है, तो एक लुक एंड फील, क्योंकि वहाँ के काफी हमारे टेक्नीशियंस सिमिलर है, सेम है, तो नेचुरली उनकी टेक्निक भी सिमिलर है। और दोनों पीरियड फिल्म थी तो ये भी पीरियड फिल्म है, तो उस वजह से थोड़ी कंपैरिजन टीजर के टाइम पे हुई थी। बट ट्रेलर में लोगों को ज्यादा पता चल गया कि ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, ये ज्यादा रियलिस्टिक स्टोरी है मेरे ख्याल से, और इसीलिए कंपैरिजन होना थोड़ा थोड़ा कम हो गया। राइट राइट राइट। एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं बिकॉज इस तरह की फिल्म्स लोग पसंद करते हैं। आपने वेंचर किया है अब इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री, तो आपके लिए वो बड़ी वजह क्या रही? इज इट दैट ये जो कन्नड़ फिल्म्स हैं या साउथ फिल्म्स हैं अब उन्हें पैन इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है? ऐसा है कि आफ्टर द पेंडेमिक हमारी व्यूइंग एंड स्पेशली OTT का जो उदय हुआ उसके बाद में हमारी व्यूइंग हैबिट चेंज हो गई है। हम पहले बहुत ही कंजर्वेटिव थे हिंदी फिल्म पे के ऊपर, बट नाउ आई थिंक हम कोरियन फिल्म भी देखते हैं, स्पेनिश फिल्म भी देखते हैं, रशियन फिल्म भी देखते हैं, साउथ की फिल्में देख, सो लैंग्वेज इज नो बार नाउ। वी वॉन्ट टू सी गुड कॉन्टेंट, और जहां पर भी अच्छा कॉन्टेंट मिला वहां पर लोग डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस लेने जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट द लोकल हैज बिकम ट्रूली ग्लोबल। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल होने से ये एक पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो चला है कि जी भाई साउथ की फिल्म हो, नॉर्थ की फिल्म हो, जो भी फिल्म हो, सबको एंटरटेनमेंट मिले, तो वो सोच के मैंने ये साउथ की ये फिल्म क्यूरेट की और हम इसमें जुड़ गए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से के लोगों को इसका अभी तक जो जो हमने उसका म्यूजिक हो, टीजर हो, ट्रेलर हो, जो भी 3-4 यूनिट डाले, सब में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड स्पेशली ये थिएटर में जो आ रही है तो काफी एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जबरदस्त रिस्पांस हमें मिल रहा है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। एंड इनफैक्ट आज ही इसके साउथ में इसका कन्नड़ा वर्जन और तेलुगु वर्जन में बॉक्स ऑफिस ओपन हुआ है और ऑलमोस्ट सभी शोज हाउसफुल हुए हैं। सो आई थिंक पीपल विल रियली लाइक इट। राइट बट एक ऑब्जर्वेशन है मेरी एज अ थिएटर ऑडियंस और एज अ फिल्म ऑडियंस कि जब हम लार्जर देन लाइफ फिल्म्स की बात करते हैं तो वो जब डाउन साउथ से आती हैं एंड उनको हम पैन इंडिया रिलीज करते हैं इवन ऑन द नॉर्दर्न बेल्ट्स, तो लोग हॉल में सीटियां बजा रहे होते हैं, अनबिलीवेबल सी चीजों को हम मजे लेके देख रहे होते हैं। बट सिमिलरली अभी जब हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं और हम अपने बॉलीवुड की एक्सपेक्टेशन, सो यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आप बिलीवेबल स्टोरीज दिखाइए। करेक्ट। सो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब हम पर्टिकुलरली कोई समझो कि आज कोई विदेश की फिल्म देख रहे हैं
तो हम उसमें कोई म्यूजिक एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम कोई कमेंट में डालेंगे नहीं कि भाई हम इसमें म्यूजिक कहाँ पर है, गाने कहाँ पर है। सो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे साउथ की फिल्म में एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं जोर से पाँव दबाऊँ और जीप हवा में जाए, तो वो मेरे लिए ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। बट शायद वो मैं कोई रियलिस्टिक फिल्म में, हिंदी फिल्म में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो ये मेरे ख्याल से दोनों, जब हम कोई फिल्म देखने बैठते हैं, हम तैयार होते हैं एक फिल्म देखने के लिए, तो हमारा एक पर्टिकुलर नोशन होता है कि ये इनकी फिल्म है तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो दैट इज हाउ द व्यूअर हैज फ्रेगमेंटेड। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि पोस्ट कोविड बहुत सारी चीजें बदली हैं, ऑडियंस का जो मूवीज देखने का या कंटेंट देखने का नजरिया है, और अडेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी वो बदली है. सो डू यू थिंक एज द इंडस्ट्री एक्सपर्ट हियर कि अब जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रीथिंक कर रहे होंगे, और करना चाहिए, और दे आर ऑलरेडी डूइंग रीथिंकिंग द होल मूवी मेकिंग प्रोसेस. एब्सोल्युटली, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, लोगों ने रीथिंकिंग करना शुरू किया, रीथिंकिंग के हिसाब से फिल्में आने की शुरू भी हो गई है। और अगर ये रीथिंक के हिसाब से, देखो जमाने के साथ में चलना पड़ता है, समय के साथ में चलना पड़ता है, अगर आप नहीं चले तो यू विल वैनिश फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो मेरे ख्याल से मेजोरिटी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स और इवन टेक्नीशियंस, दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग द न्यू टेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स। एंड आपकी जो कंपनी है वो रीजनल सिनेमा में भी काफी वेंचर कर रही है, नॉट जस्ट डाउन साउथ, बल्कि मराठी फिल्म हो गई या गुजराती सिनेमा हो गया. सो इज इट बिकॉज आप ये एक्सेप्ट करते हैं शुरू से ही कि कंटेंट पैन इंडिया अगर अच्छा है तो पैन इंडिया उसकी एक्सेप्टेंस होगी ही होगी. बिल्कुल सही है। क्या हुआ, पहले रीजनल फिल्म्स स्पेशली विथ मराठी, गुजराती या तो इवन पंजाबी और ये सब फिल्मों में लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते थे, उनको लगता था कि हिंदी फिल्म देखनी चाहिए, आई वॉन्ट टू पुट माई मनी ऑन हिंदी फिल्म। ओके, आज वो नहीं रहा है, क्योंकि रीजनल कंटेंट भी इतना अच्छा आ रहा है, इतनी स्टोरीज, उसकी एक्टिंग, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, एवरीथिंग इज सो गुड, नाइसली पैकेज। तो मैं एज अ व्यूअर ये रीजनल कंटेंट में, बीइंग लेट्स से गुजराती, आई कनेक्ट विद गुजराती सो इजीली, गुजराती फिल्म इजीली। अगर मैं मराठी हूँ तो मराठी के साथ में मैं ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। सो दैट इज हाउ दिस रीजनल फिल्म्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर, उनका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो रहा है, और बिजनेस बड़ा होने से द कंटेंट, जो ओरिजिनलिटी है कंटेंट की, वो भी अच्छी आ रही है। सो दैट इज हाउ दिस इज ग्रोइंग। करेक्ट. बट आई ऑल्सो रिमेम्बर हमारे लास्ट एक कॉन्वर्सेशन में आपने ये भी कहा था कि जो सिनेमा शायद आपके लिए अच्छा वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो, या जो कंटेंट मुझे पसंद है शायद आपको पसंद नहीं, बिकॉज इतनी बड़ी हमारी ऑडियंस की प्लेटफॉर्म है. बट आप क्योंकि इतना इस इंडस्ट्री में है, यू नो इट इन एंड आउट, डू यू थिंक नाउ यू कुड से मोस्ट ऑफ द पीपल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग यू, यू आर एबल टू फील द पल्स ऑफ द ऑडियंस? देखिए, अगर ऑडियंस का पल्स पता चल जाए तो आप भगवान हो जाएंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ऑडियंस का रोलर कोस्टर चलता है कि एक जमाने में उनको लव स्टोरी पसंद थी, एक जमाने में उनको थ्रिलर्स या सस्पेंस ज़्यादा पसंद था, फिर दौर आया कॉमेडी फिल्मों का, फिर आया थोड़ी एडल्ट कॉमेडी फिल्मों का, उसके बाद में ये सब चला गया, उसके बाद में अभी एक्शन चल रही है, लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस वाली फिल्में चल रही है। सो मेरे ख्याल से एवरी टाइम यू हैव टू सिट ऑन द वेव कि कौन सा वेव चल रहा है, और उस हिसाब से आपको आपका ग्रीन लाइट करना पड़ता है प्रोजेक्ट। करेक्ट. बट आपकी एडवाइस क्या होगी टू दी ब्रीडिंग जनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंटेंट मेकर्स? मेरे ख्याल से वी हैव टू पुट मोर मनी ऑन द राइटिंग ऑफ द फिल्म, क्योंकि आपकी जो कहानी है, आपकी स्क्रिप्ट है, दैट इज लाइक ए ब्यूटिफुल गर्ल, कि उसको कोई भी कपड़े पहनाओगे वो अच्छा ही लगने वाली है। एंड इफ योर स्क्रिप्ट इज नॉट गुड, कितने भी लाली लिपस्टिक करेंगे ना, वो फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली है। सो आई थिंक नए जो भी एंट्रेंट आ रहे हैं उनको मेहनत करनी है राइटिंग में, दैट इज वॉट आई फील।
करेक्ट करेक्ट, वेरी राइटली पुट। एंड जाते जाते बस मैं कमिंग बैक टू कब्जा, आपको लगता है और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वन बिग रीजन आपको लगता है कि कब्जा इंडियन इंडस्ट्री में, सिनेमा में कब्जा करेगी अपना वाकई? हमने इसके पीछे, कब्जे के पीछे देखो, हमने राइटिंग में बहुत टाइम निकाला था इसमें, और पहले से ही हमारा तय था कि हम ये पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, तो हर एक आदमी, एक बिहार में बैठा हुआ आदमी, या तो पंजाब में बैठा आदमी, या गुजरात में, या साउथ में बैठा आदमी, हर एक आदमी इसको कनेक्ट कर सके, उस टाइप की स्टोरी है इसकी। और जो पीरियड फिल्म चल रही है, और पीरियड फिल्म का एक जादू होता है, वो ये फिल्म में है। एंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसके टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, एडिटिंग बहुत अच्छा क्रिस्पी किया है, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे कब्जा करेगी, लोगों के दिलों पे कब्जा करेगी। वाओ, एंड हु डजंट वांट दैट? तो एक फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आनंद जी, लाइक ऑलवेज इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।